पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और शिक्षा मित्र संगठन के माध्यम से 18 अप्रैल 2018 को वार्ता के उपरांत विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी, परंतु उक्त वार्ता के अनुसार शासनादेश आश्वासनों के बाद भी आज तक निर्गत नहीं किया गया, जिसके कारण प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के किसी जनपद से शिक्षा मित्र की भुखमरी और बीमारी के कारण इलाज के अभाव में मृत्यु हो रही है। वहीं अपनी मांगों को मनवाने के लिए शिक्षा मित्र लगातार धरना दे रहे हैं। वहीं ब्राह्मण शिक्षा मित्रों ने मांगों को लेकर अपना जनेऊ 26 जून 2018 को जीवन पर्यंत तक त्याग दिया और यदि शासन ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम लोग अन्य धर्मों के अनुयायी होने के लिए बाध्य होंगे। वहीं धरने पर बैठे शिक्षा मित्रों ने कहा कि हमारे भविष्य पर कोई निर्णय न लिए जाने की दशा में आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने 18 जनवरी 2019 से पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का आह्वान किया है कि जब तक सरकार हमारा सम्मान वापस नहीं करती तब तक इको गार्डन लखनऊ में घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम चलता रहेगा। ये निष्ठुर सरकार थी, हठधर्मी सरकार थी, क्रूर थी। इस सरकार को केवल मैंने आवाज देना शुरू किया कि आपसे मुझे कोई द्वेष नहीं है, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना द्वेष है, पूरी हो रही है। मात्र एक द्वेष था, राजनीतिक षड्यंत्र। राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा हमारे 172,000 परिवार को मौत के मुंह में भेजा गया। आज भुखमरी के कगार पर सारे शिक्षा मित्र खड़े हैं, उनके घरों की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि योगी सरकार कह रही है कि आप सपाई हैं, इसलिए जो है आपकी मांग नहीं पूरी हो रही है। मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन कि 172,000 परिवार, मैं यादव हूँ, यादव कुल की बेटी हूँ। कोई अपना जिस घर में जन्म लेता है उसको अगर कोई बदला हो तो पूरे विश्व के सामने मैं कहती हूँ कि आओ मेरी कुल को बदल दो। मैंने कभी जिस घर की बेटी थी उसी कुल में मेरा शादी ब्याह हुआ। मैं बदलने की ताकत नहीं रखती हूँ। मैं जो संस्कृत, जो विरासत, जो सभ्यता मेरे परिवार की थी, मैं पहले भी फॉलो की, आज भी फॉलो कर रही, आगे भी करूँगी, ये मेरा वादा। तब मेरे घर में, मेरे परिवार ने, मेरे स्वयं के मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दी है। जैसे कि अभी जितेंद्र शाही ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इको गार्डन के अंदर बैठ के अपनी मांग नहीं मनानी चाहिए, बल्कि उनको विधानसभा के सामने आना चाहिए। अच्छी बात, पूरे विश्व के सामने बढ़िया नजारा। हाई पावर कमेटी में जो गिड़गिड़ाते हुए कहा हो कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना नहीं लगाऊंगा, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख दूंगा कि और कभी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे नहीं लिखूंगा। कुछ मीडिया बंधु गलत समाचार निकाल रहे हैं, एथी एथी बंद कराइए, उप मुख्यमंत्री जी के सामने की बात है, यूट्यूब यूट्यूब बंद कराइए। वह व्यक्ति कितना सही है और 20 साल का इतिहास जो दोहरा रहा है, उस उन बहनों का भी वो नहीं है गद्दार, उस परिवार का भी नहीं है जिस परिवार का धन लूटा, उस परिवार के सर पे हाथ फेर रही। आखिरी सवाल, उन हाथियों को 26 जनवरी आपने किस तरीके से मनाया है? देखिए, 26 जनवरी का दिन मेरे उन शहीदों का दिन था जिसको पूरा भारतवर्ष खुशी में मनाता है, हमने भी यहाँ खुशी में ही मनाया। इसलिए बच्चों को पर क्या बीता होगा कि आपने यही मनाया और वहाँ आपने बिल्कुल। आज अगर परिस्थितियाँ विषम न होती, कष्ट न होता, कम यहाँ होते ही क्यों, और सरकार हमें इतना जल्दी मेहरबान होती तो ये दर्द हमें क्यों मिलता है। तो आज इस आशा और विश्वास और अपेक्षा के साथ कि आप मीडिया बंधुओं की बात शासन तक पहुंचेगी, जो बड़ी बहन ने कहा है कि हम आपके मंच पर लेके आएंगे खुशियाँ।